because Pule, two teams are left, Dhanesh and Nana. Pool B, Maratha Punjab and Yutika. And now Pool C, Sona Devi Temgar and RD. तो आज की शाम का आखिरी मैच शुरू होता हुआ नाना स्पोर्ट्स और धनेश के बीच में, तो मैच शुरू होगा तो इस मैच की शुरुआत करेंगे जिन्होंने कई रिकॉर्ड आज बताए उनके बारे में। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सर से पाँव तक सारी कहानी याद है, सर से पाँव तक सारी कहानी याद है, उसे हर शख्स जुबानी याद है। तो शुरुआत सिद्दीक बाबे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि खुदा वंदा मैं तेरे नाम से शुरुआत करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी नेमतों पे नाज करता हूँ और फकत तेरी मदद और इस्तेनात के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। सो बैक टू क्रिकेट। अख्तर शेख ओपन इनिंग फेसिंग हिम बैट्समैन शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट गणेश पाटिल, फर्स्ट बॉल बॉस टू गणेश, ट्राई टू कच एज ऑफ द बैट एंड गणेश इज आउट फॉर डक। अख्तर डिलाइटेड एंड धनेश डिलाइटेड। बहुत ही बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ भावे सर। छेड़खानी करने की कोशिश ऑफ स्टंप से बाहर, और छेड़खानी किसी भी किस्म की हो उसकी सजा तो मिलती है। बिल्कुल, लुक एट दैट, दैट वाज अ फाइन डिलीवरी अप टू द बैट्समैन, एज ऑफ द बैट एंड बैट्समैन इज आउट। आइए दोस्तों, हम एक मेगा इज्जत अफजाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बीच मैच चालू रहेगा अंपायर, हमारे बीच मशहूर पर्सनैलिटी और मशहूर ताजिर बिल्डर उद्योगपति कासर वरोली के हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर शुएब वरेकर जी है। आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। शुएब वरेकर जी, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है और शुएब वरेकर की मेगा इज्जत अफजाई हम करने जा रहे हैं सरफराज भूरे और रमेश पटेल के दस्ते मुबारक से। शुएब वरेकर को फूलों बड़ी है, शॉल ओढ़ाई जा रही है, ये फूलों का गुलदस्ता पेश करें सरफराज भूरे और ये यादगार ट्रॉफी पेश करें रमेश पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मापुली ट्रॉफी में आके उसकी इज्जत को दोबाला किया। तो खाता खुलता हुआ यहाँ पर अजय का एक रन, अजय पाटिल मैन फ्रॉम भड़ोडी टीम के कैप्टन है, एक रन से खाता खुलते हुए, एक रन एक विकेट गंवाने के बाद। अख्तर शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दिस टाइम इट्स यासीर गेट्स बॉल पिच इन द एयर, दैट वाज अ स्लोर वन एंड फाइनली बैट्समैन ऑन हिज वे, दिस इज द वेरी शेकी स्टार्ट फ्रॉम नाना स्पोर्ट। Bala 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 bala। देखिए किस तरीके से विकेट गिरा, इस बार स्लोअर गेंद थी, स्टंप का निशाना साधा और बीट हुए वहां पे बल्लेबाज क्लीन बोल्ड होते हुए। लुक एट दैट, दैट वाज अ बलून डिलीवरी एंड बिस इन द एयर, पुअर शॉट सिलेक्शन, फाइनली सेकंड विकेट इज गॉन नाउ। वंस मोर अख्तर शेख डिलाइटेड, इज द की बॉलर, विकेट टेकर बॉलर अब धनेश कुक से। वन फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। न्यू बैट्समैन इन सचिन पवार, द पावर फुल बैट्समैन, वेरी सीनियर कंपेनर ऑफ नाना स्पोर्ट। पुअर स्टार्ट फ्रॉम नाना स्पोर्ट, one for the loss of two wickets. Akhtar Sheikh left arm round wicket, facing him Sachin Pawar, goes past us, this time beauty just moving way to the batsman, fine delivery.
It has been a wonderful bowling so far from Akhtar Sheikh. Maintained very good length and line, won for the loss of 2 wickets. Akhtar Sheikh, left arm round wicket, facing him Sachin Pawar. Goes to Pawar, try to yoke, tuck out with the short back lift to short leg and with the stroke batsman through for a cheeky single. Sachin Pawar off the mark with single and his score is 2 for the loss of 2 wickets. It has been a very tidy and economical and wicket-taking bowling from Akhtar Sheikh in mandatory power play. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अख्तर शेख द्वारा. बांधे रखा है बल्लेबाज को पावर प्ले के ओवर में. अख्तर बॉस फाइन डिलीवरी बीसीम आउटसाइड ऑफ स्टंप. डेट मार्क्स एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम अख्तर शेख. 2 runs and 2 wickets. आइए हमारे बीच में हम दुआओं के साथ उस क्रिकेटर की इज्जत अफजाई हौसला अफजाई कर रहे हैं जो हमारे बीच में है. तौहीद फक्की, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है. सरफराज भूरे उन्हें मोहब्बत भरी ये शॉल पहना रहे हैं, गुलाए अकीदत पेश कर रहे हैं और ये यादगार मोमेंटो, यादगार मोमेंटो दिया जा रहा है. तो ईद हमारी दुआएं आपके साथ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आप आगे बढ़े और भारत के लिए खेले और भारत का नाम भी ऊंचा करें. हमारे बीच में खेल शुरू रहेगा अंपायर. हमारे बीच में माजी उप सरपंच नारे शुएब कुदई साहब हैं. आइए हम आप शुएब कुदई साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. मापोली ट्रॉफी 2020 में बाजिल रमीज पटेल के हाथों से मास्टरमाइंड रमीज पटेल, उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें ये शॉल बुलाए मोहब्बत दिए जा रहे हैं और ये मोमेंटो. रमीज शोएब उदई की इज्जत अफजाई करते हुए गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए भावेश पवार. पहली गेंद हुक कर दिया है खाली क्षेत्र में, गेंद डीप फाइल लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन, 6 पे पहुंचा दिनेश के सामने नाना का स्कोर. हमारे बीच में प्रथम नागरिक और मापोली ग्राम पंचायत के सम्माननीय सरपंच दत्तात्रेय मुकने साहब हैं. आइए उनका हम जोरदार सत्कार और स्वागत कर रहे हैं प्रेम की शॉल पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर. आपसे अपेक्षा है कि मापोली को इसी तरह तरक्की की उन्नति की प्रगति की राह पे डालें. गेंदबाजी करें भावेश पवार, सामना करें सचिन पवार. भावेश पवार और सचिन पवार, मैं तो अक्सर कहता हूं डेकोरेशन में सचिन पवार, क्रिकेट में भावेश पवार, फिल्मों में ललिता पवार. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. ओ हो क्या शार्प टर्न और बाउंस था, काफी स्विंग भी थी गेंद, टिप्पा खाने के बाद अधिक उछाल. आइए हमारे बीच में मोहतरम फरीद फक्की साहब हैं, उनके हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. फरीद फक्की साहब, आपको हमारी इज्जत अफजाई को कबूल करना है. भावेश पवार इस मरतबा निकाल दिया गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, डेलिकेट लेट कट. 4 रन. वालिद मोहतरम है तौहीद के, फरीद फकीर साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. उन्हें ये शॉल बुलाए मोहब्बत और मोमेंटो दिया जा रहा है. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन पवार, पवार टू पवार, लेकिन पावर सचिन दिखा रहे. भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए सचिन को मोड़ दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ. 1 रन बनेगा, फील्डर हैं 1 रन. हमारे बीच में मोहतरम आसिफ फक्की साहब हैं, आइए हम आसिफ फक्की साहब की इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं.
रमेश पटेल के हाथों से। आसिफ फकीर साहब, आपको इज्जत अफजाई को हमारे कबूल करना है। आसिफ फकीर साहब की इज्जत अफजाई, उन्हें शॉल गुलाए मोहब्बत और मोमेंटो दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। भवेश पवार, 12 रन हो चुका है स्कोर। सचिन को बढ़िया गेंद, अपील और आउट। विकेट क्या लिया और उन्हीं के नाम का गाना बजता हुआ। देखिए क्या बेहतरीन गेंद थी, घुमा के रख दिया यहाँ पे सचिन पवार को। कटर उंगलियों से उन्होंने जादू किया था, कटर गेंद थी। हमारे बीच में नदीम भरमार साहब हैं, आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। रमीज नदीम वड़ेकर साहब हैं हमारे बीच में। नदीम वड़ेकर साहब की हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं रमीज पटेल के दस्ते मुबारक से। रमीज पटेल नदीम वड़ेकर की इज्जत अफजाई करते हुए। नदीम वड़ेकर की इज्जत अफजाई, शॉल गुलाए मोहब्बत उनको दिए जा रहे हैं। सचिन पवार अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए। भवेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए, सामना करेंगे बैट्समैन अजय सुजीत पाटिल। इस मरतबा निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, दूर से आए हैं आकाश वारगरे। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, सिर्फ एक रन। तो कुल मिलाकर दो ओवर की समाप्ति पर रन बने नाना स्पोर्ट्स के 13 और 11 रन बनाए थे वहां पर सचिन पवार ने। अगली दौड़ में क्या होता है यह आपको सुनाएंगे वॉइस ऑफ मापोली, सुरेली आवाज के मालिक। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले तो बुझते चराग जलते हैं। धन्यवाद सिद्दीक भाभे सर। तो दो ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 13। महापोली ट्रॉफी 2020 में आए दर्शक मेहमान खिलाड़ी, जो नाजरीन टीवी से मैच का आनंद ले रहे, जो यूट्यूब के माध्यम से मैच का आनंद ले रहे, उनका हार्दिक स्वागत। भावे सर, BC4 ने बहुत सारे डिसीजन लिए जिसके हिसाब से क्रिकेट में काफ़ी डिसिप्लिन पैदा हुआ, हम्पायरिंग पैनल अच्छा होते जा रहा है, टूर्नामेंट उसकी वजह से अच्छे होते जा रहे। एक राय तो नहीं कहूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ BC4 से, क्योंकि मेरा समय के हिसाब से मुझे कमेंट्री करने का मौका नहीं मिलता। इस बीच देखेंगे, गेंद के बाद बात जारी रखेंगे। इस बार लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के ऊपर लगी, लॉन्ग ऑन पर गई गेंद, एक रन मिलता हुआ। तो अक्सर टूर्नामेंट में जो मैं बात कर रहा था भाभे सर, जो दिक्कत होती है कि कमेंट्री बॉक्स से बार बार बोलना पड़ता है समय के मामले में सहयोग करे। ICC रूल आप देखेंगे, रूल नंबर 42, प्ले फेयर एंड अनफेयर क्रिकेट 42, जिसके सब डिवीज़न 9 और 10 स्पेशल, उसको BC4 को उसके ऊपर काम करना होगा। इस बीच फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले के फिर से ऊपरी हिस्से पे लगी, पीछे चली गई, एक रन। बिल्कुल, इतना हो गया तो वो भी हो जाएगा थोड़ी दिनों में, क्योंकि एक साथ सब चीज़ें नहीं होती है। और अच्छा मशवरा है आपका, लेकिन एक बात है कि इसके लिए क्रिकेट टीमें अगर अपने तरफ से ही डिसिप्लिन दे तो फिर ये डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ICC में तो रूल है 42.9 जो है वेस्टिंग टाइम बाय फील्डिंग साइड 10, वेस्टिंग टाइम बाय बैटिंग साइड। इस बीच लंबा हिट, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। ये नहीं मानेंगे, सुजीत पाटिल लगातार मापोली क्रिकेट धमाके में धमाका कर रहे हैं। क्या शॉट खेला है और कितने दूर दे मारा है, ये देखिए, जा रही है, जा रही है, हाई एंड हैंडसम, आउट ऑफ पार्क, 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। स्कोर उछल कर जा पहुंचा 21 रनों पर। हालांकि स्लो रन रेट ओवर जब रहता है तो कप्तान को उसका पेनल्टी भुगतना पड़ता है। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद,
लॉकल में बड़े यार उतना ही बढ़िया थ्रो मतीन द्वारा विकेटों पे लगा। क्या थ्रो किया है मतीन ने, एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा और सुजीत पाटिल रन लेना चाहते थे और डायरेक्ट थ्रो लगा। ये रहता है बचपन में कंचे खेलने का फायदा, स्विंगिंग और कर दी, कमाल का थ्रो और कमाल का गैदर किया मतीन खान ने। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और उतना ही एक्टिव थ्रो मतीन द्वारा। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ सुजीत के रूप में आउट होने से पहले एक छक्के की मदद से अपने टीम के लिए 8 रन बनाए। तो भावे सर, जो हमारी बात दोपहर में चल रही थी कि जो भिवंडी का क्रिकेट है इसके अंदर जो कौमी एकता जो दिखाई देती है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है दूसरे विषयों के साथ भी, कि जैसे मैंने कहा था कि सचिन महापोली के लिए कर्णधारी करते हैं, अल्ताफ शेख सोना डेविड टेमगर के लिए, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीने जाती है, मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीने जाती है, सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है, सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है। हमसे विदा ले चुके हैं तोहिद फकी और इस वक्त विदा लेते हुए तोहिद फकी, साथ में फरीद फकी साहब, आसिफ फकी साहब, आपने बहुत ही कीमती समय दिया। तो ईद हमारी दुआएं आपके साथ है, आप आगे बढ़े। बलवंत सामना करेंगे, इस बार दिशा से भटकते हुए वाइट का इशारा आता हुआ एक रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 22 रन। देखिए मापोली क्रिकेट का जो फॉर्मेट बना है, पूल ए का ये आखिरी मुकाबला है, टॉप 3 में पहुंच जाएंगी विजेता टीम, पूल बी में मराठा पंजाब और युति का बच्ची है और पूल सी में सोना देवी और आरडी बच्ची। इस बार इंतजार किया, टर्न कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर दूर से आए, समय था बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पूछा 23 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो 23 रन आए, तीसरा ओवर चल रहा है अभी, समय में कॉपरेट करें प्लीज। विवेक शेलार इस बार थोड़ी सी नीचे रही थी, ड्राइव करना चाहते थे, डीप में गई, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े लेकिन अपने कदमों को वापस खींच लिया क्रीज में, एक रन बढ़ता हुआ स्कोर में 24। 3 ओवर की अब जाके समाप्ति भी है, रन बने हैं 24। तो भावे सर मैं बात कर रहा था हमारी नेशनल यूनिटी के बारे में, कि मंदिर में दाना चुग के चिड़िया मस्जिद में पानी पीने जाती है, सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है, एकता मोहम्मद रफ़ी जो रघुपति राजा राम गाता था, एक था प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कहीं कृष्णा के गीत गाता रसखान दिखाई देता है, औरों को तो लगते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स इंसान दिखाई देता है। यह है मेरी देश की शान, यह है तेरा देश मेरा देश हम सब का देश हिंदुस्तान। और बस इतना ही कहना चाहूँगा भावे सर कि आज मेरी नई पहचान लिख देना, आज मेरी नई पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। तो दूर वाले छोर से बिल्कुल, इसलिए तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस बार फिर से घुमाते हुए बल्लेबाज को शरीर से टकराई, लेग 22 का इशारा आता हुआ। भावेश पवार की ये खासियत है कि वो हर तरह की गेंदबाजी करते हैं, साइड आर्म यॉर्कर्स करते हैं, लेकिन उनकी जो कटर गेंदे वो काफ़ी इफेक्टिव रही है। 25 पे जा पहुंचा स्कोर। नौशाद सर ने इस शेर के लिए जकी सर को 100 रुपये का इनाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद सर।
दूर वाले छोर से। भावेश पवार, इस बार फिर से चेंज ऑफ पेस गेंद थी, से हुक जरूर किया, मिस फील्डिंग होती हुई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया कंट्रोल हुक शॉट खेला था और बलवंत दलवी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। शाम का समय है, कहीं ना कहीं नाना स्पोर्ट 60 के करीब अगर रन बनाती है तो मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, 1/4 ओवर का इशारा आता हुआ अंपायर फारूक बड़ी द्वारा। कंधे के जोर से गेंदों को उठा रहे हैं गुड लेंथ से भावेश पवार। उनतीस रन हो चुका है इसको। बलवंत सामना करेंगे भावेश पवार का। इस बार फिर से थोड़ा सा चेंज अप पेस किया था, पहले ही बल्ला घुमाया बलवंत ने, शरीर से टकराई, लेग बाइस का इशारा आता हुआ एक रन बढ़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन। काफ़ी देर से क्रीज पे मौजूद है अजय, सामना करेंगे भावेश पवार का। बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप याक होती हुई, कोई जवाब ही नहीं था अजय के पास इस गेंद का। टप्पा खाने के बाद सीधे मतीन के हाथ में गई डॉट होती हुई गेंद, इसको रुका हुआ है 30 रन। इस बार बल्ले के ऊपर लगी गेंद और बहुत ही बढ़िया कैच, शॉर्ट कवर से मिड ऑफ पर दौड़ कर गए चेतरक्षण और विकेट गिरता हुआ यहां पर अजय का। भावेश पवार करी तो बॉलिंग लावा तुम्ही सेफ्टी। देखिए किस तरीके से टप्पा खाने के बाद ज़्यादा उछाल लिया था गेंद ने, हुक करने की कोशिश थी, बल्ले के स्टिगर ओवर हो चुकी। तो चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 5 विकेटों के नुकसान पे रन बने हैं 5, सॉरी विकेटें गिरी है 5, रन बने हैं 30, गेंदें बची है 12। आगे के 12 गेंदों की कहानी इस टूर्नामेंट की जान मजर खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जकी सर। तो यहाँ पर हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं अब तक नाना स्पोर्ट्स का, उस तरह का परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि 4 ओवर अब तक ख़त्म हो चुकी है, अभी भी इनफ टोटल नज़र नहीं आ रहा। 30 रन बने जबकि 5 विकेट गिर चुके हैं। अब देखना है बल्लेबाजी के लिए इस वक्त अशोक आए हैं। और आते ही साथ वहाँ पर बड़े हिट की तरफ गए अशोक, डॉट होती हुई ये गेंद विवेक शेलार की। कल सुबह 9 बजे मराठा पंजाब के कैप्टन, मेरी बात को सुन रहे हो तो मराठा पंजाब और युतिका को 9 बजे रिपोर्ट करना है। कल ग्रैंड फिनाले रहेगा, कल सुपर संडे और सुपर डे मापोली ट्रॉफी का। इस बार अच्छी गेंद वहां पर और आउट हो गए, विकेट गिरता हुआ इस वक्त अशोक के रूप में। तो विकेट गिरता हुआ नाना स्पोर्ट्स का। टो क्रशर थी, स्विंगिंग यॉर्कर था, हालांकि बचाने की कोशिश भी की थी बैट्समैन ने छोटी बैकलिफ से। ये देखिए प्लम LBW जाके टो से टकराई, ऑफ स्टंप पे खड़े थे। ओहो क्या गेंद है, अंपायर के तो मन में 1% भी शंका नहीं रहेंगी।
नए बैट्समैन मुकेश पाटिल बल्लेबाजी को आ रहे हैं, मैन फ्रॉम अंजूर। तो अच्छा ओवर इस वक्त चलता हुआ विवेक शिलार का, और पहला ओवर भी हमने देखा अच्छा किया था वहां पर विवेक शिलार ने। मुकेश इस बार घूम कर खेलना चाहते थे इस गेंद को, और एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त मुकेश के रूप में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अभी तक 27 साल के भिवंडी टेनिस तालुका क्रिकेट के इतिहास में कोई LBW हैट्रिक नहीं हुई है, कोई भी LBW हैट्रिक नहीं हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो आकिब जावेद ने जो 49 हैट्रिक हुए हैं उसमें LBW की हैट्रिक की थी शारजा में, सचिन तेंदुलकर, जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन को LBW घोषित किया था अंपायर ने। देखना यह है कि क्या सिटी क्रिकेट के इतिहास में कोई पहली LBW हैट्रिक हम देखने जा रहे हैं। विवेक शिलार करते हैं तो 2000 कैश, 777 का चेक और कलाइयों में रिस्ट वॉच। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त होती हुई विवेक शिलार द्वारा, हैट्रिक पर अब आ गए, सामना करेंगे आकाश। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 रनों पर, जबकि 7 विकेटें गिर चुकी है नाना स्पोर्ट्स की। शोएब वड़ेकर साहब को दिखाया जा रहा है, इस बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर, शॉर्ट एंड पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है आकाश, और उसी बीच देखना है दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, रॉन्ग एंड पर थ्रो होता हुआ, और उसी बीच देखना 6 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। यही क्रिकेट है। तो भावेश सर अब नाना स्पोर्ट्स के लिए रन कैसे भी आए आना जरूरी है, चाहे बल्ले से आए फिर या ओवर थ्रो कर आए। बिल्कुल 6 रन मिलते हुए मराठा पंजाब के कैप्टन और यूतिका के कैप्टन मेरी आवाज सुन रहे हो तो 9:45 रिपोर्ट करना है, 9 बजे टॉस रहेगा। अगर दोनों टीमें 9 के बाद आई तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि पेनल्टी ओवरकम किए जाएंगे। एक बार फिर से उसी अंदाज में खेलने की कोशिश की थी इस बार आकाश ने, अच्छी गेंदबाजी इस वक्त करते हुए विवेक शिलार। स्कोर 36 रनों पर पहुंच चुका है अब तक, जबकि 7 विकेटें गिरी है नाना स्पोर्ट्स की। इस बार देखना है वहां पर ग्लांस करना चाहते थे इस गेंद को, बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, अच्छा ओवर घटा यहां पर विवेक शिलार का। 5 ओवर की समाप्ति पे नाना स्पोर्ट्स ने कितने रन बनाए? 37 रन बनाए। कहीं ना कहीं नाना स्पोर्ट की नजर 50 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इसमें गेंदबाजों को काफी सहायता मिलती है। ये शोएब वड़ेकर हमारे बीच में है, शोएब कुदई भी हैं। शोएब वड़ेकर को आप देख रहे हैं कासारोली के मशहूर उद्योगपति हैं, साथ में इरफान भूरे साहब हैं। ये शोएब कुदई माजी उप सरपंच नारा इमरान को दिखाया जा रहा है, और ये मापोली की शान फरान पटेल, सभी का इस्तकबाल है। कल सुपर संडे और सुपर डे रहेगा मापोली ट्रॉफी 2020 का, कौन बनेगा ग्रामीण का विजेता एंड हु विल बी द विनर ऑफ सिटी क्रिकेट। तो लास्ट ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज आकाश वारगड़े, बिलाल हलवे भी हमारे बीच में है, सिकंदर पटेल भी हमारे बीच में है, सभी का स्वागत है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर, पहली गेंद आकाश की,
तेज कदमों के साथ एक रन पूरा किया वहां पर, बाय के रूप में एक रन आता हुआ, स्कोर आगे खिसकता हुआ इस एक रन की मदद से 38 पर। लास्ट ओवर की शुरुआत हो चुकी है और पहली गेंद वहां पर आकाश की अच्छी रही। इस वक्त खाड़ी पार से जावेद आरके ने धनेश 11 कुक्से को ऑल द बेस्ट कहा है। अच्छी गेंद एक बार फिर से वहां पर रही आकाश की, रन के लिए निकल पड़े बलवंत दलवी, बाय के रूप में एक बार फिर से यहां पर रन आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं डेथ ओवर में आकाश वारगड़े की, जगह नहीं दे रहे बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए। इसे एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 39 पर। सापे से संतोष सुतार ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। इस बार पुल कर दिया इस गेंद को, वहां पर देखना डीप में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल होता हुआ और उसी बीच दूसरे के लिए पलट चुके वहां पर आकाश। हालांकि बहुत जल्दी कवर कर लिया था प्रतीक ने, दो रन बना लिए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी हो रही है और कुल स्कोर 41 रनों पे पहुंचा है। इस बार स्विच हिट खेला है वहां पर, एक रन पूरा करते हुए डीप से खिलाड़ी आते हुए प्रतीक पाटिल, उसी बीच दो रन पूरे कर लिए। एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई बाय के रूप में ये दो रन आ गए। अब ये देखते हुए कि बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे तो कदमों को तेज कर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज। देखिए हमें इंस्ट्रक्शन है कि कल जितनी टीमें खेल रही सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। इस बार हल्का सा अपने आप को रूम दिया वहां पर, गैप में गेंद को खेल दिया है, कोई मौका नहीं वहां पर, गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाती हुई चार रनों के लिए। बहुत खूबसूरत शॉट आकाश पाटिल के बल्ले से, ड्राइव किया था ऑफ लेग पे लेकर कारपेट के जरिए। ये देखिए अपने आप को थोड़ा सा रूम दिया था, बहुत ही कड़क शॉट, सन्नाटेदार शॉट, चार रन। कल सभी टीमें जो खेल रही है सभी को अभी से ऑल द बेस्ट और कल कोई भी ऑल द बेस्ट नहीं पड़ी जाएंगी, सॉरी। इस बार ये गेंद देखना ऊपर चले गई, ये गेंद आउट हो गए वहां पर आकाश। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए नाना स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं, अब तक 47 और 48 का टारगेट रहेगा धनेश 11 कुक्से के सामने। तुरंत ही फील्ड सजाना, नाना स्पोर्ट जो पार्किंग जोन में सामने गाड़ियां खड़ी है उसको निकाल देना है क्योंकि एक और मुख्य अतिथि हमसे जुड़ने जा रहे शोएब वड़ेकर और तारिक साज शख्सियत मापुली की, इरफान बुरे साहब को आप देख रहे हैं। एक बार मेरा जाना हुआ था रणजी ट्रॉफी 2018 में कासारोरोली में कमेंट्री के लिए। बिलाल हलबे, बाबू पटेल, ये शोएब कुदई, इमरान पटेल और फरहान पटेल। लक्ष्य रखा है 48 का और इस मैच की विजेता टीम पूल ए से सिटी क्रिकेट बीसी फॉर्मेट में टॉप की टीम टॉप थ्री में पहुंच जाएंगी। देखना है कि टीम बिल्कुल तैयार है। हालांकि सचिन पवार ने दो बहुत अच्छे शॉट खेले थे और लग रहा था कि बड़ी बारी खेलेंगे, ऊपर बल्लेबाजी को आए थे लेकिन आखिरकार जल्दी आउट हुए। पवार
ने 11 और 12 रन बनाए आकाश ने। ये दो बैट्समैन थे जो डबल फिगर में गए। दिनेश कुक से आपको अपने ओपनर्स भेजना है। सूरज अब ढलने की तैयारी में और भारतीय समय के अनुसार 6:11 हुआ चाहते हैं। शाम सुवानी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर प्रतीक पाटिल और मतीन खान, मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान और प्रतीक पाटिल। कल ग्रामीण का सेमीफाइनल जो होना है वकी स्पोर्ट मापोली और रॉयल झिड़के के बीच में, सिटी के पूल बी का मैच मराठा पंजाब और युती का, पूल सी का मैच सोना देवी और आरडी, उसके बाद तीन टीमों में से एक टीम चिट्टी के बलबूते पर आगे बढ़ जाएंगी और उनके बीच एक सेमीफाइनल और एक फाइनल और साथ ही साथ ग्रामीण का फाइनल। कुल मिलाकर 6 मैचेस हैं जिसमें 2 ग्रामीण के और 4 मैच BC4 सिटी क्रिकेट के। गेंदबाजी के लिए अशोक को बुलाया गया है। सामना करेंगे मतीन खान। लक्ष्य है 48 रनों का। ZP की अध्यक्षा सौभागवती दीपाली दिलीप पाटिल थोड़ी देर में हमसे जुड़ने जा रही है मापोली ट्रॉफी 2020 में। अशोक फुल टॉस गेंद बीमर भेज दिया उस गेंद को मतीन खान ने, बैकवर्ड स्क्वायर लेकर और लॉन्ग लेग के बीच में 6 रन। पहली गेंद बीमर और बीमार कर दिया अपनी टीम को। 7 रन से खाता खुला यहां पर दिनेश कुकसे का और मतीन खान का। ये देखिए बीमर गेंद थी और मतीन खान कहाँ छोड़ने वाले थे ऐसी गेंद को, और उन्हें भी पता था ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। 8 रन हुए और कोई गेंद भी नहीं हुई है। मतीन खान लगातार अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं इस सीजन में अपनी टीम के लिए। ओ हो 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 क्या शॉट है, उड़ाया 6 रन। ये देखिए मतीन खान सिक्सर के हैट्रिक पे लगता है कि लेकर जाएंगे और लेकर गए लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। सिक्सर का हैट्रिक, 2000 कैश, 777 का चेक और रिस्ट वॉच। रन कितने बने, 2 गेंदों में 20 रन। इस मरतबा हुक कर दिया है, एक और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन, 6 रन। 4 में 4 ठोक डाले हैं और तालुका क्रिकेट का जो चेसिंग का रिकॉर्ड है वो 5 गेंदों का है। आरके ट्रॉफी में शांतनु ने 30 रन 5 सिक्सर मार के खत्म किया था। छब्बीस रन। इस मरतबा अच्छी वापसी, राइट आर्म राउंड विकेट गए थे, 26 रन आए और पहला ओवर अभी खत्म नहीं हुआ है, बचा क्या है 22 रन। दिनेश कुक से 9 की विजेता, 1 की रनर्स, 9 कप जीती है। फिर से उड़ाया है, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर 6 रन। सबसे महंगा ओवर अब तक चल रहा है मापोली ट्रॉफी का, सबसे महंगा ओवर।
और सीजन का सबसे महंगा ओवर कहाँ है वसीम, उन्होंने 38 रन दे डाले थे। इस सीजन का सबसे महंगा ओवर शहजाद ढोंड हमसे जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत। ओ छ एक डॉट गेंद खेली उन्होंने, 5 मिनट के लिए अब गेम रोकना है, क्योंकि पता नहीं था कि मतीन खान क्या करेंगे, कितने रन दे डाले। आ गए आपके बराबरी पे वसीम, जिन्होंने सिटी क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर किया था रविश खोट ट्रॉफी में बालाजी के सामने, 38 रन दिए थे, इन्होंने भी 38 रन दे डाले, दोनों की बराबरी हो गई है। एक हैट्रिक सिक्स लगा है और तालुका क्रिकेट के अगर पन्नों को मैं खोलता चलूं, शोएब वड़ेकर ने भी 1000 रुपए दिए हैं, कुल मिलाकर 3777 का चेक और घड़ी। इन्हें शाम से जाते जाते मतीन खान, यस दो बड़ा भी चांस बाकी है अभी, क्योंकि कितने रन चाहिए साहबा यहां से, 10 रन चाहिए। देखिए सबसे महंगी गेंदबाजी का जो रिकॉर्ड है स्पेल का, वो अक्षय के नाम है, 2 ओवर में 47 सीएम कप में पानियर के सामने, उसके बाद 44 रन जयेश वखारे ने दिए थे युतिका के सामने पावर कप शेलार में, उसके बाद भावेश पवार का नंबर है 2 ओवर में 41 है, और उसके बाद सूरज केनी का नंबर है 2 ओवर में 40 है। लेकिन महंगे ओवर का रिकॉर्ड वकी स्पोर्ट मापोली के वसीम के नाम है 38, और उनके साथ अब जुड़ गए यहाँ पर अशोक, 1 ओवर 38 रन। वाकई में रतन बुआ में भी मतीन खान ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, और फहीम बरमार और लाला शेख, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। आसिम जवड़े ने आयशा मेडिकल से इस वक्त मतीन खान और धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। आइए हमारे बीच में मोहतरम फहीम भरमाल हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। फहीम भरमाल की इज्जत अफजाई करने के लिए मैं वाकई में गजब की बल्लेबाजी की, खुद अशोक ने भी एंजॉय किया होगा इस ओवर को। आइए हमारे बीच में फहीम भरमाल साहब हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं।
इमाम अजहर खान कि जिस जुलूस में आप रहते हैं उस जुलूस में नारे आपके खिलाफ भी लगते हैं। किसी ने कहा है कि जाम दुश्मन का पी लिया असकर, जब्त ऐसा मेरे खुलूस में था, और जिसमें नारे मेरे खिलाफ लगे मैं भी शामिल उसी जुलूस में था। हमारे बीच इस वक्त आज शाम के मुख्य अतिथि सौभागवती दीपाली दिलीप पाटिल, जिला परिषद अध्यक्षा जुड़ने जा रही है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वेलकम वेलकम वेलकम। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मापोली ट्रॉफी 2020 में जुड़ चुकी है सौभागवती दीपाली दिलीप पाटिल, जिला परिषद अध्यक्षा, आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कुंदन पाटिल का जो शो हुआ था उसमें वहां पर वो मौजूद थी, अब यहां हमसे जुड़ चुकी है सौभागवती दीपाली दिलीप पाटिल, अध्यक्षा है जिला परिषद की। सुस्वागतम, वेलकम मैडम। ये आप देख सकते हैं जिला परिषद की अध्यक्षा सौभागवती दीपाली दिलीप। क्या बात है भावे सर, सबने इनाम लुटाए, बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने, सबने इनाम लुटाए, लेकिन एक इनाम आ गया आपके लिए। हमारे बीच में शोएब वाडेकर जी है, जो शायरी आपने की थी उसके लिए आपको 500 रुपये का इनाम आया है। आपको वहां पर जाना है सिद्दीक भाभी सर, और शोएब वाडेकर जी और पूरे यहाँ के जो दर्शक है ये चाहेंगे एक बार और से आपको शायरी कहे। और एक रन बनता हुआ शोएब वाडेकर, जो मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, अगर वही शेर फिर से मैं सुनाऊंगा कि जाम दुश्मन का पी लिया हंसकर, जब्त ऐसा मेरे खुलूस में था, और जिसमें नारे मेरे खिलाफ लगे मैं भी शामिल उसी जुलूस में था। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस पे जिला परिषद की सम्मान्य अध्यक्षा सौभागवती दीपाली दिलीप पाटिल, अभी उनकी एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। वेलकम मैडम। ये रहता है कुछ कि एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच किया गया इनको, ओवर थ्रो हुआ, एक रन बनता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ 41 पे पहुंचा है, यहां से 7 रन चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अजय, इस मरतबा खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई मिड ऑन पे, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर,
बल्ले का मुंह जल्दी खुल गया था, इसे कहते पूना बुल्डाना शॉट। जाना चाहते थे पूना, पहुंच गए बुल्डाना। खेल दिया गेंद को, 6 रन, आप केवल 1 रन चाहिए धनेश कुत्से को पूल ए की छोटी की टीम बनने के लिए, सुपर 3 में पहुंचने के लिए। कुंदन पाटिल का जो रात का शो था उसमें भी मैंने देखा था, वाकई में जिला परिषद के तमाम कामकाज और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को बहुत ही बखूबी उन्होंने निभाया है। आज हमारे बीच उनकी एंट्री लेट थी लेकिन ग्रेट थी। हमारे बीच जिला परिषद की सम्माननीय अध्यक्षा सौभाग्यवती दीपाली दिलीप पाटिल मैडम मैच का मजा ले रही है। गेंद ऊपर से निकल गई और आज की शाम पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुक्से के नाम। हार्ड लक सतीश चौधरी एंड नाना स्पोर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन धनेश कुक्से। मैन ऑफ द मैच है, 43 रनों की बढ़िया बारी खेली, नट आउट वो है, मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान, फिल्मों में लगान और धनेश में मतीन खान। देखिए मैन ऑफ द मैच से पहले मैंने उनका ओपिनियन वैसे भी कुंदन पाटिल के शो में सुना था और वाकई में मैडम बहुत अच्छा बोल रही है और अपने काम से भी जानी जाती है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट के लिए इस ट्रॉफी के बाबत आप जनता जो टेलीविजन सेट पे भी उनको एड्रेस करें। ठीक है, पहले मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मैडम देना चाह रही है। मतीन खान आपको आना है, जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक भी लगाया था और उनको 3,000 रुपये आए हैं, 1,000 शोएब वड़ेकर के, 1,000 इरफान भुड़े साहब के और 1,000 फरहान ठानवाल की तरफ से, 777 का चेक। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच की है ट्रॉफी, जिसे ग्राम पंचायत की मेंबर अख्तरी आसिफ ठानवाल ने स्पॉन्सर किया है। देने जा रही है सौभाग्यवती दीपाली दिलीप पाटिल जिला परिषद की अध्यक्षा, ये चेक उनको दे रहे हैं सम्माननीय दिलीप पाटिल जी। इरफान बुढ़े साहब, तारिक साहब शख्सियत के हाथों से उन्हें कैश प्राइज उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर, और ये शोएब वड़ेकर उद्योगपति कासर ओरोली वो दे रहे हैं उनको 1,000 रुपये अपनी तरफ से, और रिस्ट वॉच देना है, रिस्ट वॉच बचा है बिस्मा कम्युनिकेशन का रिस्ट वॉच। सम्माननीय सरपंच के हाथों से दिया जा रहा है। ये फरहान पटेल की तरफ का बीच आपको चेक ले, रजनी भरमार के हाथों से हम दे रहे हैं। वेल डन मतीन। यस, पाउडर बाकी है, जिस तरह आपने जिस तरह आपने गेंदबाजों को धोया है उस तरह ये धुलाई के लिए अच्छी है। X1 पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, मतीन आज का शेड्यूल खत्म। हम उस आवाज से धन्यवाद से कहेंगे जो अपने काम से जानी जाती है और अपने नाम से जानी जाती है।